हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे विद्वान साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे इस ठंड के मौसम में। और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजु स्टार पर। और आप लोगों को नई साल की भी हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने हमारा जो बिंदु चल रहा था वर्णमाला, उसमें हम लोगों ने स्वर है जो अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। शायद आप लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा होगा, आप लोगों ने भी देखे होंगे, पिछले हाँ वीडियोस देखे होंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। देखिए, वर्ण को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में, एक तो स्वर और एक व्यंजन, वोवल और कॉन्सोनेंट। यानी कि वर्ण को हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो स्वर और एक व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं? वे वर्ण जिन्हें बोलते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और वे वर्ण जिन्हें बोलते समय या जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण यानी स्वरों की सहायता लेते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। परिभाषा लिखने का प्रयास करना। स्वर आप लोग भी लिखना। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय या उच्चारण करते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और वे वर्ण जिन्हें बोलते समय या उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है यानी स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की भी आप लोग परिभाषा लिख लेना। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। यानी कि व्यंजन है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हम लोग क का उच्चारण करते हैं, क का हम लोग लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो जैसे भाई क लंबे समय तक ऐसे उच्चारण करेंगे तो हमारे सामने थोड़ी देर बाद में क जब लंबा हो जाएगा तो हमारे सामने ए ध्वनि है जो निकल करके आएगी। और ए को हम लोग देखो, ए स्वर है और क व्यंजन है। ए का हम लोग लंबे समय तक उच्चारण करेंगे ए, तो चाहे ए हो चाहे आ हो उसमें ए की ही ध्वनि आएगी। और के का हम लोग अगर लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो लास्ट में जाते जाते हमको ए की ध्वनि है जो सुनाई देगी। इसलिए है जो व्यंजनों में है जो स्वरों की सहायता ली जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ तक परिभाषाएं शायद क्लियर हो गई होगी आपको। वे वर्ण जिन्हें बोलते समय अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। और वे वर्ण जिन्हें बोलते समय या उच्चारण करते समय अन्य वर्णों की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं। अब आती है बात कि भाई स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो तो हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है वो हम लोग देखते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? संख्या
तैतीस व्यंजनों की संख्या होती है 33। आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर हम लोगों ने छोटी कक्षाओं में क्या क्या गड़े जब पढ़े थे तब हमारे सामने 36 वर्ण है जो पढ़ते थे हम लोग, लेकिन वो कौन से तीन वर्ण हैं जिन्हें हम लोगों ने व्यंजन में शामिल नहीं किया है। तो लास्ट के जो क के गड़े की जो लास्ट की लाइन में हम लोग तीन वर्ण पढ़ते थे अक्षय त्रय और ज्ञ, उन्हें है जो व्यंजन नहीं कहते हैं, उन्हें व्यंजनों में शामिल नहीं किया है, अक्षय त्रय और ज्ञ। तो ये व्यंजन नहीं है तो इन्हें फिर क्या बोलते हैं, ये होते हैं अपने संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। क्यों भाई इन्हें संयुक्ताक्षर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वे वर्ण जिनमें दो व्यंजन और एक स्वर का मेल हो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। यानी जैसे अक्षय है तो इसमें आधा के धन ए धन श का मेल हुआ है, इसको हम अक्षय को अगर तोड़ते हैं तो आधा के धन ए धन श आता है, इसलिए है जो इन्हें संयुक्ताक्षर बोलते हैं। इसी प्रकार से है जो त्रय का भी तय धन रे धन ए आता है और जे का भी इसी प्रकार से होगा, इसलिए इन्हें है जो संयुक्ताक्षर कहते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं 33 व्यंजन कौन कौन से हैं। पहले हम लोग जब क के गड़े पढ़ते थे तब हम क की लाइन को ऐसे बोलते थे कि क की लाइन, क क गड़े क की लाइन। अब हम लोगों को याद रखना है क की लाइन नहीं बोलना है, क वर्ग बोलना है। क्या बोलना है? क वर्ग। जिस लाइन में पांच वर्ण हो उन्हें वर्ग कहा जाता है, क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? क ख ग घ और ड। क्या ये ड सही है? ये जो मैंने क वर्ग का पंचमाक्षर लिखा है ये ड सही है क्या? नहीं है। तो ये सही कैसे होगा? इसके आगे अपन लगाएंगे क्या? बिंदी। अब ये जो बिंदियों का जो मामला है ये मैं आप लोगों को पहले क्लियर करवा देता हूँ ताकि बाद में आपके कंफ्यूजन ना रहे। देखो हम कोई भी वर्ण लिखते हैं तो उसका एक पहले कच्चा खाका तैयार करते हैं। जैसे ये हम लोगों ने कच्चा खाका तैयार कर लिया, ये जो ऊपर की लाइन है इसे बोलते हैं शिरोरेखा। क्या बोलते हैं? शिरोरेखा। और ये जो लाइन है इसे बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? याद तो हो रहे हैं ना? ओके। अब ये जो बिंदी है हम एक बिंदी लगाते हैं वर्ण के आगे, एक लगाते हैं नीचे, एक लगाते हैं पहले और एक लगाते हैं ऊपर। हिंदी की जो वर्णमाला है उनमें हम चार प्रकार की बिंदियाँ हैं जो लगाते हैं, है ना? तो ये जो आगे की जो बिंदी है इसे बोलते हैं पंचमाक्षर बिंदु। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बिंदु। तो मन में सवाल क्या उठता है कि ये जो पंचमाक्षर बिंदु है ये वर्णमाला में कितने वर्णों पर लगता है? तो ये अपने एक ही वर्ण पर लगता है जो कि अड़े। क वर्ग का जो पंचमाक्षर पांचवा जो अक्षर है, पांचवा वर्ण है अड़े, उसके साथ है जो हम पंचमाक्षर बिंदु लगाते हैं। और ऊपर की जो ये बिंदु है इसे बोलते हैं अनुस्वार। हम लोगों ने जब स्वर पढ़े थे उस समय हम लोगों ने जो 11 स्वर पढ़ के लास्ट की जो ए आ की जो लाइन है उसमें लास्ट के जो अंग और ए दो पढ़े थे, अंग और ए।
इसे हम लोगों ने अनुस्वार कहा था और इसे हम लोगों ने विसर्ग का नाम दिया था। तो ये जो अंग, ये जो अनुस्वार है, ये आप लोगों को ये भी शायद लग रहा होगा कि ये जो अनुस्वार है ये क्या सभी वर्णों के साथ लगते हैं? सभी वर्णों के साथ नहीं लगते हैं, ये ओनली केवल और केवल स्वरों के साथ लगता है। अनुस्वार है जो केवल स्वरों के साथ लगता है, केवल स्वरों के साथ। अनुस्वार बिंदु है जो केवल केवल स्वरों के साथ लगते हैं। जैसे हम लोग एक शब्द लिखते हैं कंठ, तो ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, ये अनुस्वार क्या इस कै पर लगा हुआ है? नहीं। हम लोग कंठ का विच्छेद करते हैं तो इसका इस प्रकार से कुछ निकल कर आएगा, क धन अ धन ठ। तो ये जो बिंदु है ये कैसे उठ करके ए पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से है जो अनुस्वार है जो केवल और केवल 11 स्वरों पर लगता है, न कि किसी भी व्यंजन पर। और इनका हम लोगों ने अंग और ए है, इनका नाम हम लोगों ने स्वरों में पढ़ा था, इनका नाम दिया था अयोगवा, अयोगवा ध्वनि। क्योंकि ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसका हम लोगों ने नाम दिया था अयोगवा, अयोगवा। मतलब अयोगवा का मतलब जुड़कर वहन नहीं होना, लिख लीजिए आप लोग, जुड़कर वहन नहीं। यानी कि ये जो अंग और ए है ये किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं। अगला जो ये नीचे हम लोग बिंदी लगाते हैं इसे कहते हैं ताड़न जात। क्या कहते हैं? ताड़न जात बिंदु या ताड़न जात चिन्ह। और इसे हम लोग उत्सिप्त चिन्ह भी कहते हैं। और इसे हम लोग फेंका हुआ चिन्ह भी कहते हैं। यानी कि इसे इन वर्णों का हम जो उच्चारण करते हैं तब हमारी जो जीभ है वो मूर्धा पर झटके के साथ टकराती है। इसलिए मतलब कुछ ऐसे जैसे ये जो ताड़न जात बिंदु है ये वर्णमाला के दो व्यंजनों पर, दो अपने वर्णों पर लगते हैं, एक तो ड, ड और ढ, यानी कि टे वर्ग की लाइन है उसका तीसरा और चौथा वर्ण। दो वर्णों पर जब तक इनके ये बिंदी नीचे बिंदी नहीं लगाते हैं तब तक तो ये व्यंजन है अपने टे वर्ग के तीसरा और चौथा वर्ण है, और जैसे ही इनके नीचे बिंदी लगा देते हैं तो ये ताड़न जात व्यंजन बन जाते हैं या उत्सिप्त व्यंजन बन जाते हैं। वर्णमाला में दो ही वर्ण ऐसे हैं जिन्हें ताड़न जात या उत्सिप्त व्यंजन कहते हैं, उत्सिप्त वर्ण कहते हैं, ड और ढ। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना जो बिंदु, पहले जो बिंदु लगता है वर्ण के, जो पहले बिंदु लगता है इसको हम कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये नुक्ता चिन्ह है जो कितने वर्णों पर लगता है ये हम लोग देखते हैं। देखिए एक तो क, ख, ग, ज और फ। जब तक इनके साथ नुक्ता चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है तब तक ये है अपने हिंदी भाषा के वर्ण, और जैसे ही इनके साथ हम लोग नुक्ता का प्रयोग कर देते हैं, एक नुक्ता, दो नुक्ता, तीन नुक्ता, चार नुक्ता, पांच नुक्ता, जैसे ही इन नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं इन वर्णों के साथ, तब ये हमारे जो वर्ण हैं ये हो जाते हैं अरबी और फारसी भाषा के। कौन सी भाषा के? अरबी और फारसी। अब आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर अरबी और फारसी दोनों भाषाएं अलग अलग है लेकिन फिर भी इन दोनों को साथ में क्यों लिखा जाता है? इन दोनों को साथ में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इन दोनों भाषाओं की लिपि एक है, वो है अरबी।
अरबी और फारसी भाषा दोनों भाषाओं की लिपि अरबी है, इसलिए इन्हें है जो अरबी और फारसी दोनों साथ में लिखा जाता है। और क ख ग ज फ इन पांच वर्णों के साथ है जो नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये बिंदियों का मामला शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा आप लोगों को भी क्लियर। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। चे वर्ग, चे वर्ग, च, छ, ज, झ और ये। इस लाइन में ये जो झ है इसको हम लोग पहले आप लोगों ने शायद देखा होगा कुछ इस प्रकार से लिखा जाता था झ। ये है जो प्राचीन समय में चला करता था। अब ये जो झ है ये हिंदी वर्णमाला में अमानक है, यानी कि मानक वर्ण नहीं है। तो ये भी मतलब एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा वर्ण है जो अमानक है, तो ये जो झ है ये वर्ण अमानक वर्ण है, ठीक है। और अगला है जो टे वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, इसमें हम लोगों ने ये तो इनके नीचे अगर अपन आगे अगर नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर देंगे, सॉरी ताड़नजात चिन्ह का प्रयोग कर देंगे तो ये ताड़नजात बन जाएंगे और डे और ढे ऐसे लिखने पर ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं। और अगला हम लोग देखते हैं ते वर्ग, त, थ, द, ध, ने। ये जो ध है इस ध को हम लोग कई बार ऐसे डिजाइन में लिखने के लिए इस प्रकार से लिख देते हैं, ये गलत है, वर्तनी की दृष्टि से ये अशुद्ध माना जाता है। ध है जो ये ऊपर गुंडी लगती है इसी प्रकार से ध लिखा जाना चाहिए। और ये जो ध है ये ऊपर जो गुंडी लगती है इसके ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती है, यानी कि जैसे हम लोगों ने अयोगवा में पढ़े थे अंग ए विसर्ग पढ़ा था, विसर्ग के ऊपर से कभी भी है जो शिरोरेखा नहीं गुजरती है। कई बार हम लोग लिखते हैं ना अपने प्रातःकाल वर्ड लिखते हैं, शब्द लिखते हैं प्रातःकाल, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये दो वर्ण दो शब्द हैं, लेकिन दो शब्द नहीं है। विसर्ग के ऊपर से कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती है और इस प्रकार से गुंडी के ऊपर से भी कभी भी शिरोरेखा नहीं गुजरती है। आगे की लाइन आती है अपने पे वर्ग, कौन सी आती है पे वर्ग, प, फ, ब, भे, मे। इस भे को भी हम लोग कई बार ऐसे लिखते हैं डिज़ाइन बनाने के लिए, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, ये गुंडी वाला ही भे मान्य है। और आगे की जो पंक्तियां हैं उन्हें हम वर्ग नहीं बोलेंगे, क्योंकि वर्ग में पांच वर्णों का होना ज़रूरी है। तो आगे के जो वर्ण हैं ये र, ल, व, इन्हें है जो ये जो क, च, ट, त, प, ये जो वर्ण है इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ये जो ये र, ल, व, ये र, ल, व, और अगला है श, श, श और है, इन्हें ये र, ल, व, इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं इन्हें। और अगले श, श, श है, ये जो चार वर्ण है इन्हें बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं?
ऊष्म व्यंजन। और ये जो पांच है, पांच लाइन है, यानी कि टोटल 25 वर्ण है, इन्हें वर्गीय व्यंजन या इन्हें हम लोग ये जो वर्ण है इनका उच्चारण करते हैं, करते समय हमारा जो जीभ है वो किसी न किसी मुखावय से टकराती है, छोकर के बाहर ये जो वर्ण निकलते हैं, तो इन्हें हम स्पर्शी भी कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। तो 25 व्यंजन तो हो गए स्पर्शी या फिर वर्गीय व्यंजन, और चार हो गए अंतस्थ व्यंजन, और चार हो गए ऊष्म व्यंजन। टोटल मिलाकर के हमारे सामने 33 व्यंजन है जो आ जाते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। व्यंजन हम लोगों ने काफ़ी अच्छा पढ़ा है, और भी व्यंजन के बारे में अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे और भी जो बिंदु है टॉपिक वाइज कंटिन्यू करते रहेंगे क्लास को। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।